कैसे हैं दोस्तों, आज आपके लेकर आए हैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता। तो बहुत ही टेस्टी सी इडली डिश जो हमने बनाई है, इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे लिया है हमने सूजी 1 कप। सूजी को लेने के बाद इसको में आप बारीक सूजी ले सकते हैं। तो सूजी लेने के बाद हमने उसमें डाला है दही। जितनी हमने सूजी ली है उतना ही दही डालकर इसको मिक्स कर लेना है। आपको अच्छे से इसे मिक्स करना है ताकि सूजी और दही आपस में मिक्स हो जाएं। आपको बैटर गाढ़ा लग रहा हो आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके उसे मिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि सूजी दही और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए। और पानी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि जो पानी है सूजी बहुत जल्दी सोख लेती है। इसको अच्छे से पहले मिला लीजिए, उसके बाद देखिए कि आपको पानी की ज़रूरत है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से सूजी दही और पानी को मिला लिया है और ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए बैटर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। जितने अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे बैटर उतना ही अच्छा बनेगा, इसलिए हल्का सा पानी और डालकर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स 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 करते करते हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये हो चुका है मिक्स। अब इसमें डालेंगे हम छोटी चम्मच नमक। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद भी इसे हमने एक बार फिर से मिक्स कर दिया है। अब ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है और हमने इसे 10 मिनट के लिए रख दिया है। अब इसमें हम एक डालेंगे इनो का पैकेट ताकि हमारी इडली फ्लफी फ्लफी और फुली फुली बने। यहाँ पर हमने इनो का पैकेट डालने के बाद भी इसे अच्छे से मिक्स किया है। जितने अच्छे से आप इसे मिक्स करेंगे उतनी अच्छी और सॉफ्ट सॉफ्ट इडली आपकी बनेगी। इनो को डालकर अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद ये देखो थोड़ा सा फूला फूला महसूस होगा। अब यहाँ पे हमने इडली के जो सांचे लिया है उसमें हम छोटे छोटे से एक एक चम्मच के बराबर इसमें डालेंगे ताकि हमारी छोटी छोटी इडलियाँ रेडी हो जाए। आप चाहे तो इस अपने मेकर में भी बना सकते हैं या छोटा इडली का जो सांचा आता है उसमें बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास छोटा इडली का सांचा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसी इडली वाले सांचे में थोड़ा थोड़ा बैटर डाला है जिससे छोटे छोटे पीसीज हमारे बनकर रेडी हो जाए। इसी तरीके से 3 लेयर हैं, तीनों की तीनों लेयर मैं यहाँ पर फिल कर दे रही हूँ। और ये बहुत ही टेस्टी सा और हेल्थी सा झटपट बनने वाला नाश्ता आप भी अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं लगेगा। तो इस नाश्ते को आप बनाइए और हेल्थी हेल्थी नाश्ता खाइए। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए। आपके पास भी कोई ऐसी अच्छी सी डिश है तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। अब देखिए यहाँ पे चक्कू से या टूथपिक से हम टेस्ट कर चेक करेंगे कि हमारी इडली अच्छे से हो चुकी है। तो इडली हमारी हो चुकी है क्योंकि वो चक्कू के ऊपर चिपकी नहीं है और यहाँ पर देखिए इडली भी अच्छे से उतर पा रही है। तो यहाँ पर हमने एक एक करके सारी इडलियाँ इडली सांचे से अलग कर दी हैं। तो इस तरीके से आपको सारी इडलियाँ अलग कर देनी है और सारी ट्रे से हम एक एक करके इडली को अलग कर रहे हैं। सांचे से इडली मेकर से सारे के सारे इडली हमारी अलग हो चुकी है और इन्हें हम एक प्लेट में निकाल रहे हैं। ये देखिए छोटी इडली रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पर एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे हम हल्का सा तेल और उसमें डालेंगे राई। राई और इडली में राई के बिना टेस्ट आता ही नहीं है। तो राई डालने के बाद उसमें हमने डाली है कटी हुई प्याज। आप प्याज किसी भी शेप की काट सकते हैं, बारीक बारीक काट सकते हैं या आप यहाँ पे लंबी लंबी काट सकते हैं। यहाँ पर मैंने लंबी लंबी प्याज काट के डाली है, साथ ही हरी मिर्च डाली है और जो वेजिटेबल्स मेरे पास थी मैंने वो वेजिटेबल्स डाली हैं, जिसमें मैंने डाली है शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और साथ ही मैंने डाली है गाजर और कड़ी पत्ता। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपको उसको मिक्स करना है और अब डालेंगे इसमें मसाले। तो यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा हल्दी डालेंगे जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आधा चम्मच आपने हल्दी डालनी है। हल्दी डालने के बाद आपने जो इडली बनाई थी वो इडलियाँ इसमें डाल दीजिए। नमक हम पहले ही डाल चुके थे, अगर आपको उस टाइम कम नमक लगे तो आप अभी भी मसाले में डाल सकते हैं। इसके बाद आप इडली को मिक्स कर लीजिए। सिम गैस कर आपको इसे मिक्स करना है और इडली का कलर भी देखिए दोस्तों बहुत प्यारा सा आएगा। और ये बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता रेडी हो चुका है हमारा।
देखा आपने, सिर्फ 5 मिनट में आपका ये नाश्ता हेल्थी वाला रेडी हो चुका है, जिन्हें आप जो कि सबको पसंद आता है, जो स्पाइसी कम खाते हैं उन्हें भी पसंद आता है और जो स्पाइसी खाते हैं उन्हें भी पसंद आता है, क्योंकि ये हेल्थी नाश्ता होता है। अब ये इडली हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो आप इसमें हरी मिर्ची क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और इसको और टेस्टी बना सकते हैं। जैसे मुझे तीखा बहुत पसंद है तो मैं हरी मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा देती हूँ। हरा धनिया डालने के बाद हमारी इडली हो चुकी है रेडी। इसे एक बार मिक्स करेंगे और अब इसे हम इसमें प्लेट में निकाल देंगे। प्लेट में निकालने के बाद आप इसे सर्व करिए और बहुत ही टेस्टी से नाश्ता आपका रेडी हो चुका है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा जरूर नाश्ता आपको कैसा लगा। बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट, बहुत ही हेल्थी और टेस्टी नाश्ता है जो कि एक कप सूजी से तैयार हो गया है।